हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेस। मैं सचिन राठौर। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेशन ऑफ फ्यूचर टेंस। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के प्रैक्टिस जो है वो आपको करा दिया। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमने 10 सेंटेंस हमने लिए हैं और इनमें हमने फ्यूचर के चारों टेंसों को कम्प्लीट कर लिया। पहला सेंटेंस है, लड़के कल स्कूल जाएंगे। जैसा कि हमने वीडियो में पढ़ा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट वाली क्लास आप जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या है, हमने रूल वगैरह सभी बताए हुए हैं। वैसे तो हम नॉर्मली सभी के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास कंडीशन होती है जहाँ पर हम सेल का भी यूज़ करते हैं, वो हमने उन वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं, लड़के कल स्कूल जाएंगे, तो लड़कों के लिए हम बॉयज़ का यूज़ कर सकते हैं। बॉयज़ विल गो टू स्कूल। कल के लिए हम फ्यूचर में टुमारो का यूज़ करते हैं और पास्ट में यस्टरडे का यूज़ करते हैं। टू स्कूल टुमारो, TOMORROW। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, इसमें एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, अवश्य। हमने बताया हुआ है जब वाक्य में अवश्य आ जाए तो हमें क्या करना है। नॉर्मली क्या होता है, आई वी के साथ हम सेल यूज़ कर सकते हैं, बाकी के साथ विल यूज़ कर सकते हैं, और विल एक ऐसी मॉडल वर्ब है जो इसका प्रयोग सभी के साथ भी हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास कंडीशन में हमें सेल का भी प्रयोग करना होता है। जब किसी वाक्य में अवश्य आ जाए, धमकी आ जाए, या कोई बाध्यता की बात करे, तो वहाँ पर आई वी के साथ हमें विल का ही यूज़ करना है और अदर सब्जेक्ट्स के साथ सेल का यूज़ करना है। तो आई के साथ हम यहाँ पर विल का ही यूज़ करेंगे। आई विल प्ले क्रिकेट। कल के लिए जैसा कि पहले सेंटेंस में हमने बताया, टुमारो का यूज़ होगा और इसको हम सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे। हमारा सेंटेंस होगा, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यह काम कौन करेगा। ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। सबसे पहले हमें कौन की अंग्रेजी लगानी है। कौन के लिए हम हु का यूज़ करते हैं। अब हु जो होता है, हु हमने क्या मानना है, जैसा कि हमने वीडियो में पढ़ा हुआ है, हु को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं और इसके साथ हमें विल का ही यूज़ करना है। सभी हु के साथ, हु किसी भी वाक्य में हो, हु विल करने की फर्स्ट फॉर्म डू, यह काम दिस वर्क। हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, हु विल डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जब मैं स्कूल जाऊंगा तो अध्यापक पढ़ा रहा होगा। जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ा रहे थे तो हमने इस चीज़ के बारे में आपको वहाँ पर क्लियर किया था कि इस सेंटेंस में भी दो सेंटेंस आ सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी दो सेंटेंस आ सकते हैं। हमें क्या करना है, जो हमारा सेंटेंस जब से जुड़ा होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो अलग वाला सेंटेंस होगा, बाकी जो बचेगा रिमेनिंग सेंटेंस, उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे। तो जब मैं स्कूल जाऊँगा, इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। वैन I will, sorry, present indefinite बनाना है। When I go to school, when I go to school, तो अध्यापक पढ़ा रहा होगा, ये हमने future continuous में बनाना है। The teacher will be teaching. When I go to school, the teacher will be teaching. तो हमारा सेंटेंस होगा, When I go to school, the teacher will be teaching. जो हमारा सेंटेंस when से जुड़ा होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, और जो हमारा दूसरा सेंटेंस होगा वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हॉकी कितने लड़के खेल रहे होंगे। ये भी हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। इसको कैसे बनाएंगे, हाउ मैनी बॉयज। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब विल बी होती है, तो विल बी प्लेइंग हॉकी। एक बात ध्यान रखनी है हमें, जो भी हमारे गेम होते हैं उनके नाम से पहले हम हॉकी, क्रिकेट और भी हो सकते हैं, दा का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस देखिए, सिक्स, ये हमारा
फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, और इसमें हमने आपको बताया था जब हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा रहे थे, दो दो वाक्य एक साथ आ सकते हैं। अगर इसमें पहले आ जाए तो हमें देखना है कि जो काम हमारा पहले हुआ है, जो काम हमारा पहले हुआ है दो काम में से, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, और जो दूसरा रिमेनिंग सेंटेंस होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। कैसे? ये काम चपरासी के घंटी बजाने से पहले, यानी कि चपरासी के घंटी जब उसने बजाई तो उससे पहले हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो ये बात कर रहा है कि ये काम जो है ये हमारा पहले हुआ है, तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और ये काम हमारा बाद में हुआ है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, ना कि फ्यूचर में। तो आइए बनाते हैं। वी विल, सभी के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वी विल हैव रीच्ड द स्कूल, हमने ये सेंटेंस यहां से कंप्लीट कर लिया है। एक बात और ध्यान रखने वाली होती है, वो क्या है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद हमें प्रीपोजिशन यूज नहीं करनी है, रीच्ड भी उनमें से ही एक होती है। नेक्स्ट है चपरासी के घंटी बजाने से पहले, ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। द प्योन रिंग्स द बेल, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस का यूज करते हैं। हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, वी विल हैव रीच्ड द स्कूल, द प्योन रिंग्स अ बेल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पिताजी 5 बजे तक ऑफिस से आ चुके होंगे। ये भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, इसको कैसे बनाएंगे, तो द फादर, फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, फादर विल हैव आ चुके होंगे, तो कम, कहां से, ऑफिस से, कम फ्रॉम द ऑफिस, अब जो तक होता है तक के लिए हम टिल और बाई का यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर वाले टेंसेज में हमें तक के लिए केवल और केवल बाई का ही यूज करना होता है। फादर विल हैव कम फ्रॉम द ऑफिस बाय 5 o'clock, इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोनू के सोने से पहले घर कौन आ चुका होगा। ये भी, इसमें भी दो काम पहले हुए हैं, एक हम पूछ रहे हैं घर कौन आ चुका होगा, दूसरा है सोनू के सोने से पहले, तो ये वाला काम हमारा पहले होगा ये बाद में, तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। हु विल हैव कम होम, कम के बाद भी प्यारे बच्चों हमें क्या करना होता है, यदि कम के बाद हम होम का यूज करते हैं तो हमें कोई हेल्पिंग, हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगानी होती है, जैसे हमने गो वाली वीडियो में आपको समझा था, ऐसे ही कम के साथ भी ऐसा ही होगा। हु विल हैव कम होम, पहले के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे, बिफोर सोनू के सोने से पहले, सोनू, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, सोनू स्लीप्स, इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं 9th और 10th सेंटेंस की। 9th में क्या है, 2 बजे तक वह 2 घंटे से क्या कर रहा होगा, इसमें क्या हुआ है, इसमें दो टाइम हमारे आए हैं, हमें क्या करना है, जो जो समय हमारा से के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ हम 4 का यूज करेंगे, और जो समय हमारा तक के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ हम बाई का यूज करेंगे। इसमें हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमें सिंस का यूज नहीं करना है। तो कैसे बनाएंगे, व्हाट के लिए, क्या के लिए, व्हाट, फिर विल, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बीन होगी, व्हाट विल ही, सभी के साथ विल हैव बीन का यूज कर सकते हैं हम, ही हैव बीन डूइंग 2 घंटे से, 4 to 2 hours, 4 to 2 hours, अब इसमें आया है 2 बजे तक, इसके लिए हम बाई का यूज करेंगे, बाई 2 o'clock, इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट विल है ही हैव बीन डूइंग 4 to 2 hours बाई 2 o'clock, इसमें दो समय हमारे दिए होते हैं,
एक समय जहां से स्टार्ट हुआ है कहां तक उसने काम किया है वो समय हमारा दिया होता है। नेक्स्ट है जो लास्ट सेंटेंस है, ये भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही सेंटेंस है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी सेम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लेना है। क्वेश्चन वर्ड इसमें वेयर है तो हम यूज करेंगे वेयर। अब इसमें वर्षा की बात हुई है, वर्षा के लिए हम इट का यूज करते हैं। वेयर विल इट हैव बीन रेनिंग, इसमें भी वही करना है। जिसके पास से होगा उसके उसमें फोर का यूज करना है और जिसके पास तक होगा उसमें हमें बाई का यूज करना है। वेयर विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 hours और बाय शाम तक, शाम तक के लिए हम इवनिंग का यूज करेंगे बाय इवनिंग। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पोस्ट करना है, पहले ये वाक्य जो लिखे हुए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बनाने की कोशिश करनी है आपको। उसके बाद जो हमने बनाया है इनसे अपने वाक्य को मैच करना है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस। थैंक यू सो मच।